हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं छोले कुलचे बनाने जा रही हूँ। छोला कुलचा बनाने के लिए मैंने रात में छोले और मटर दोनों चीज़ों को भिगो दिया था और उनको भिगोने के बाद उनको उबाल करके तैयार कर लिया है। और इधर प्रेशर कुकर में हमने तेल डाला है और तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें एक तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालने के बाद फिर हमने अदरक लहसुन और का पेस्ट बनाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, प्याज नहीं डालेंगे इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा प्याज भूनते समय के डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे कटा हुआ। प्याज को महीन महीन काट लिया है और उसको तेल में डालेंगे। प्याज हमारा हो जाएगा हल्का सा। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे, एक टमाटर कटा हुआ डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। ओके, इन सबको डाल करके मसाले अच्छे से भून लेंगे। बढ़िया से हमारे मसाले भून जाएंगे तब इसमें छोले को डालेंगे। देखिए आप लोग भी हमको बताइए कि आप लोग छोले किस तरह से बनाते हैं और आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत से लोग छोले रोटी बनाते हैं, छोले कुलचे हैं, छोले भटूरे हैं, तो छोले भी किसी कई तरीके से बनते हैं। तो आप लोग भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा छोला बनाना कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। छोला हमारा हो गया है, अब हम इसमें छोलों को डाल देंगे। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, देखिए छोले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब उसको हम ऊपर से थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे और थोड़ी सी धनिया डालेंगे और कुलचे सेकेंगे। कुलचे जो है हम इसका बटर में सेकिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए कुलचे हमारे बटर में, इसको सेकेंगे। बहुत बढ़िया सिक जाते हैं कुलचे। देखिए बढ़िया कुलचे, खूब बढ़िया लाल लाल सेकिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी छोलों के साथ छोले कुलचे, बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग भी ज़रूर बना करके देखिए इसको, बहुत ही अच्छे लगेंगे आप लोगों को। कुलचा सिक के तैयार हो गया है, आप कुलचे और छोलों को एंजॉय करिए। देखिए हमारे छोले और कुलचे तैयार हो गए हैं, आप उसको अच्छे से एंजॉय करिए। देखिए यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।